चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन है एंड एन अल्फा पार्टिकल इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई क्या होगा? तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी। तो दो पार्टिकल की बात कर रहा है, एक प्रोटॉन कह रहा है, एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन का मास अगर एम कंसिडर किया जाए तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, अल्फा पार्टिकल यानी प्रोटॉन का हीलियम का न्यूक्लियस, तो 4m के इक्वल होगा मास, ये हो गया। चार्ज की वैल्यू, अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन है अगर e, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होगा, 2e होगा, तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी दोनों की सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, रेडियाई का तो रेशियो, तो क्या होगा, आर पी इज इक्वल टू एम पी इंटू वी अपॉन क्यू पी इंटू बी, और आर अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा वी बाई क्यू अल्फा इंटू बी, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड कर दें, आर पी बाई आर अल्फा इज इक्वल टू एम पी बाई एम अल्फा इंटू क्यू अल्फा बाई क्यू पी, करेक्ट है। अच्छा चलो इसको देखते हैं ज़रा, एम पी बाई एम अल्फा, एम पी बाई एम अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, एम पी बाई एम अल्फा की वैल्यू होगी 1/4, ठीक है, ये हो गई 1/4 इंटू क्यू अल्फा अपॉन क्यू प्रोटॉन कितना होगा, 2e अपॉन e, 2 के इक्वल होगा, तो 2 के 1/2 आ गया, आर पी बाई आर अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो रेशियो ऑफ देयर प्रोटॉन डिवाइडेड बाई अल्फा 1/2, 1/2 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।